मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। फडणवीस ने कहा शिवसेना बीजेपी गठबंधन से भी कॉल का जोड़ है। फडणवीस ने कहा कि पिछली बार 42 सीटें जीती थी, लेकिन यह हमारा रिकॉर्ड नहीं था। रिकॉर्ड तो 2019 में बनाना है। पूरी ताकत से पूरा महाराष्ट्र भगवा किए बिना नहीं रहेंगे। लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के साथ हमारे जीत से ज्यादा लोगों के चेहरे की मुस्कान से संतुष्टि मिलती है। 4 साल से दुश्मनों की तरह लड़ने वाले शिवसेना और बीजेपी में इन दिनों भरत मिलाप चल रहा है। फडणवीस और उद्धव ठाकरे ने कहा कि गठबंधन कर हमने होश से काम लिया है, दोनों पार्टियां एक सुर में चल रही है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन अभेद्य है, यह फेविकॉल का जोड़ है। यह सिर्फ चुनाव का नहीं, सत्ता का नहीं तो विचारों का गठबंधन है, और यह गठबंधन भविष्य में भी टिका रहेगा। उन्होंने कहा कि देश बहुत महत्वपूर्ण है, यह नया भारत है, यह घुसेगा भी और ठोकेगा भी। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने भाषण में शिव सैनिकों के समक्ष गठबंधन क्यों पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज भी नरेंद्र भाई कहता हूँ। गठबंधन में रहकर भी हमारा जो संघर्ष हुए है वह विकास में बाधा नहीं बना। जनता के मुद्दे उठाए, हल किए। शिवसेना ने जो मुद्दे उठाए वह व्यक्तिगत नहीं थे, देश के भले के लिए हम साथ हैं। गठबंधन नहीं होता तो इसका फायदा होता। आतंकवादियों के सामने झुकने वाली पहले जैसी सरकार नहीं चाहिए। पहले हिंदू होना गाली बन गई थी। मैं शिवसेना बीजेपी नहीं पहचानता, मैं सिर्फ भगवा पहचानता हूँ। हिंदुत्व का सम्मान करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड कर चैनल लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।